नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। पूरी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को बीजेपी ने ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। उनके सीट से चुनाव लड़ने के कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे। संबित ओडिशा से ही ताल्लुक रखने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 36 उम्मीदवारों के साथ संबित पात्रा का भी नाम शामिल है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सभी सीईसी सदस्यों का मेरे जैसे एक नए कार्यकर्ता को भगवान जगन्नाथ की भूमि से टिकट देकर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय जगन्नाथ। बता दें कि संबित पात्रा पेशे से सर्जन रह चुके हैं। 2014 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया और उसके बाद उनकी पहचान एक तेज तरार प्रवक्ता के रूप में हो गई, जो टीवी डिबेट में कई मौकों पर अपने जोरदार तर्कों से विपक्ष के नेताओं का मुंह बंद करा चुके हैं। उन्होंने 1997 में उड़ीसा के संबलपुर से VSS मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल से MBBS किया था। फिर 2002 में कटक के उत्कल यूनिवर्सिटी में SCB मेडिकल कॉलेज से मास्टर ऑफ सर्जरी किया था। इसके बाद 2003 में UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज क्वालिफाई किया और दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुए थे। तब उनकी पहचान एक शांत स्वभाव वाले सर्जन की हुआ करती थी, जो अक्सर भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करते थे। उन्होंने दिल्ली के कई बीजेपी नेताओं से पहचान बना ली थी, स्टेथोस्कोप लेकर करते थे प्रचार। इसके बाद वह 2011 में बीजेपी में शामिल हुए और दिल्ली यूनिट के प्रवक्ता चुने गए। इसके बाद वह केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन के भी खास हो गए। 2012 में उन्हें दिल्ली निकाय चुनाव में कश्मीरी गेट वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार चुना गया था। तब वह गले में स्टेथोस्कोप डालकर प्रचार किया करते थे और सिर्फ विकास के मुद्दे को प्रचार में शामिल करते थे।